हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो होपफुली ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये दूसरी बार है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, एक रीडिंग की थी बेसिकली, और वो उड़ गया। एनीवेज, मैं उन्हीं मैसेजेस को दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रीडिंग, ये उन मैस्कुलिन्स के लिए है जो मैरिड है और ऐसे रिलेशनशिप में है जो जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सारे मैस्कुलिन्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ, थैंक यू बोल दूँ कि फाइनली आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया कि ये डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था। एक टाइम था जब मैं खुद भी टेंशन में बैठी हुई थी कि पता नहीं मेरे मैस्कुलिन्स कभी भी समझेंगे कि नहीं, कभी ये लोग काम करेंगे कि नहीं, कैसे सब कुछ होगा, टेंशन मुझे भी था, ठीक है। बट पिछले दो हफ्तों से जब मैं अपना मेरे यूट्यूब चैनल के जो एनालिस्टिक्स है उसे देख रही थी, तो ऑलमोस्ट 25% मेरे जो व्यूअरशिप है वो मैस्कुलिन्स के ही, डिवाइन मैस्कुलिन्स है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग अपने यूनियन की तरफ मेहनत कर रहे हो। दैट मीन्स कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स ही नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अपने ऊपर मेहनत कर रहे, विच इज़ अमेजिंग, लाइक सीरियसली अमेजिंग। आई एम रियली हैप्पी। ओके, मैसेज ये था कि आप हैंगमैन मोड से बाहर निकल चुके हो। मतलब एक जो हमेशा लटके रहो, स्टैग्नेंट रहो वाला एक जो एनर्जी था कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्या होगा, ये सब क्या हो रहा है, एक जो कन्फ्यूजन टाइप थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, ठीक है। हैंगमैन रिवर्स्ड आया था तो आप उस मूड से बाहर आ गए हो और आपको एक्चुअली में अब चीज़ें क्लियर दिख रही है। पहले आपको नंबर्स और सिंक्रोनिसिटीज और मैसेजेस मिल रहे थे पर आप एग्जैक्टली उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे थे, पर अब आप डिकोड कर पा रहे हो। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप जुड़े हुए हो, आप अभी तक तैयार नहीं हो उन्हें छोड़ने के लिए। एक होता है ना कि हम छोड़ना चाहते हैं पर इट्स लाइक इट्स नॉट राइट टाइम टू लेट गो, क्योंकि हम वर्क से पहले अगर चीज़ों को छोड़ने की कोशिश भी करें और पूरी तरीके से अगर हम तैयार ना हो तो जाने देने के बाद भी उसकी जो एक एनर्जी है वो रह जाता है, वो पूरी तरीके से ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। कभी कभार कुछ लेसन्स सीखना रह जाता है जिसकी वजह से हम फिर भी उन एनर्जीज़ को फील कर पाते हैं और वो फिर भी हमें इफ़ेक्ट करता है। बट अब टाइम चेंज हो चुका है तो आप जो भी रिलीज़ करना चाहते हो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा यूनिवर्स आपके साथ जुड़ गया है और जल्दी जल्दी जो भी आप रिलीज़ करना चाहते हो वो अलाइनमेंट आपके अंदर आना स्टार्ट हो गया। हम जो भी चाहते हैं हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, उन्हें अट्रैक्ट तभी कर पाते हैं जब हम उन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। हमारी एनर्जीज जो होती है उन चीज़ों के लिए उस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाती है ताकि हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें और उन्हें अपने लाइफ में स्टेबलाइज कर सकें। क्योंकि अगर बिना रेडी हुए, एनर्जेटिकली रेडी हुए अगर चीज़ों को हम पा भी लेते तब भी एक स्टेबलाइज करने में दिक्कत हो जाता है या फिर मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाता है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे आसान और सबसे सही तरीका यही होता है कि हम अपने आप को उस एनर्जी लेवल पे पहुंचा लें कि जो भी हम चाहते हैं वो
एकदम तरीके से हमारे तरफ अट्रैक्ट होता हुआ स्मूदली आ सके. इट्स मोर लाइक एन इनर वर्क. ठीक है, अंदर से हम अपने आप को तैयार करते हैं उन चीज़ों के लिए, ताकि फिर सिचुएशन चाहे कोई भी मोड़ ले ले, हम सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सॉर्ट आउट करने में. अब प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है, ठीक है, कार्मिक्स बच्चों को हथियार बना रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को रोकने के लिए. ठीक है ना, वो बच्चों को लिटरली डिवाइन मैस्कुलिन के खिलाफ कर चुके हैं. इनफैक्ट बाकी जो लोग थे उन्हें भी डिवाइन मैस्कुलिन के खिलाफ कर दिए. मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और आंसर बहुत सिंपल था कि वो एलिमिनी क्लेम तब कर सकती है जब बच्चे उसके साथ हो. ठीक है, अब बच्चे अगर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ डिवोर्स के बाद सेपरेट हो जाते हैं, तो कार्मिक्स को देने के लिए, फाइनेंशियल कुछ भी देने के लिए कोई रीज़न बचता नहीं है. ठीक है ना, तो फाइनेंस के लिए कार्मिक्स जानबूझ के बच्चों की कस्टडी अपने पास रखना चाहती है, ताकि बच्चों का बहाना देकर वो डिवाइन मैस्कुलिन से पैसा ले सके. वो बच्चों को भी गिल्टी फील करवा रही है, डिवाइन मैस्कुलिन को गिल्टी फील करवा रही है कि ओके, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या ना फेमिनिन बॉडी, तो आप प्लीज़ रोल स्विच कर लीजिए. ठीक है, ये मेरे लिए आसान है मैस्कुलिन को ही कहना, तो ताकि मैं मैसेजेस डिलीवर कर सकूं. तो ये जो कार्मिक है वो जानबूझ के ये सब कुछ करी, एंड वो थर्ड पार्टी को भी बीच में इन्वॉल्व कर चुकी है. आई फील आपने जब इस रिलेशनशिप में कदम रखा था, ये शादी की थी या जो भी आपका कमिटमेंट है, इसलिए क्योंकि इस कार्मिक के साथ आपका कुछ कॉमन था. प्रॉब्ली आपका रिलीजन सेम था, आपके फैमिलीज में जान पहचान थी, तो यूजुअली हम उन्हीं चीज़ों की तरफ आगे जाना चाहते हैं जहाँ पर हमारा कम्फर्ट जोन होता है, कि हम ऐसे एम्बियंस में बड़े हुए हैं, ये जान पहचान वाला एरिया है, तो हम थोड़ा सा सेफ फील करते हैं और उसी चीज़ में हम चले जाते हैं. हालांकि लॉन्ग रन के लिए हो सकता है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छा ना हो. ठीक है, जो अननोन टेरिटरीज होती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया ट्राई करने में कई बार हम डर से पीछे हट जाते हैं. ठीक है ना, तो इसी कारण की वजह से आप इस रिलेशनशिप में कदम रखे थे, क्योंकि ये सब चाहते थे, काइंड ऑफ दैट काइंड एनर्जी, कि सेम रिलीजन का है, सेम कास्ट का है, सेम कल्चर का है, सेम कंट्री का है, तो वो एक फमिलियर, एक जान पहचान वाली एक एनर्जी थी. एंड व्हाट आई रिसीव्ड, कि ये कार्मिक जो है वो कोई ऑर्डिनरी कार्मिक नहीं है. ठीक है, इसके साथ आपका पास्ट लाइफ में भी रिलेशनशिप रह चुका है, इसलिए आप इस एनर्जी को इतनी अच्छे से जान पाए हो, इतनी जल्दी आप अट्रैक्ट हो चुके हो, एंड एक कंफर्ट लेवल भी है, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते. कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि एक कंफर्ट लेवल है. ठीक है, एक फमिलियर टेरिटरी है, और ये इसलिए बिकॉज एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था. बट आपका जो भी लेसन्स रह चुका है इस रिलेशनशिप में, पास्ट में हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपको उनसे सीखना था और इस लाइफ में उन्हें आपसे सीखना था, जो भी है, जो भी लेसन्स था, वो सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है. आप जितना भी सीख सकते थे उस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से, आप ऑलरेडी सीख चुके हो. देयर इज़ नथिंग लेफ्ट. बहुत शार्पली दो मैसेजेस क्लियरली आया था कि इस कार्मिक के साथ डिवाइन मैस्कुलिन का कोई लव कनेक्शन है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, ख़त्म. थोड़ा बहुत भी जो था वो भी ख़त्म हो चुका है. ठीक है, इन सब के बीच में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे कि पेरेंट्स इतना झगड़ा कर क्यों रहे हैं. ठीक है, क्यों सेपरेट हो रहे हैं, एंड क्योंकि ये कार्मिक बच्चों का दिमाग पूरी तरीके से ख़राब कर चुकी है, सेइंग कि देखो तुम्हारा पापा हमें छोड़ के जा रहे हैं एंड ऑल, तो वो इतना ज़्यादा उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर चुकी है कि बच्चे भी बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं. बट गुड न्यूज़ ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपने बच्चों से बात करने का एक मौका ज़रूर मिलेगा.
डिवाइन मैस्कुलिन्स अब तक अपने बच्चों से बात नहीं कर पाए थे, उसके पीछे दो वजह था। एक, उन्हें लग रहा था कि शायद बच्चे समझेंगे नहीं, ना समझ है, उनसे क्या बात करना, ठीक है, जबकि बच्चों को सभी समझ में आता है। एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह अगर उन्हें ट्रीट किया जाए तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट जीत के अगर अपनी दिल की बात बोला जाए तो वो सब कुछ समझते हैं, ठीक है, और सपोर्ट भी करते हैं, उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। प्लस डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी खुद भी इतना क्लैरिटी पहले मिला नहीं था कि वो अपना सच खुल के सबके सामने जाहिर कर पाए। बट अब क्योंकि सारी क्लैरिटीज़ एक के बाद एक आने स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपने बच्चों से क्लियरली बात करने का मौका मिलेगा और ये बच्चे भी डिवाइन मैस्कुलिन्स को समझेंगे। एंड ऑफ द डे बच्चे भी हमेशा हेल्दी एम्बियंस ही पसंद करते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं, और डिवाइन फेमिनिन की तरफ उनका बहुत ज़्यादा लगाव है। अगर वो पहले कभी डिवाइन फेमिनिन से मिले भी नहीं हैं, तब भी उन्हें पता है कि एक नर्चरिंग एनर्जी है जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं, और ये डिवाइन फेमिनिन की है, ठीक है। उन्हें समहाउ इंट्यूटिव लेवल पे पता है कि अगर वो मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के साथ इस कार्मिक से अलग होकर रहते भी है, ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा बेहतर परवरिश मिलेगा। वो इमोशनल नर्चर, जहाँ पर पहले बच्चों को समझने वाला कोई नहीं था, अंडर एस्टिमेट बहुत किया जाता था, एक टॉक्सिक सिचुएशन जो बनी रहती थी घर में, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के साथ रह के वो ज़्यादा खुश रह पाएंगे। बच्चे ये बात ऑलरेडी समझ पा रहे इंट्यूटिव लेवल पे, ठीक है, और जब डिवाइन मैस्कुलिन अपने बच्चों से इस बारे में बात करेंगे, आई फील ये बच्चे अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और वो भी कार्मिक्स के इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उन्हें सिर्फ इस बात से दिक्कत हो रहा है कि जब ये लोग खुश है नहीं तो इनका सल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे, एंड क्योंकि कार्मिक्स बार बार करके उन्हें गिल्टी फील करवा रहे हैं कि मुझे छोड़ के चले जाओगे, हाँ तुम लोग तो सब छोड़ के चले जाओगे, दैट काइंड ऑफ एक टॉक्सिक ब्लैकमेलिंग एनर्जी वो प्ले आउट सालों से करती आई है, जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सब जानने के समझने के बाद भी उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मैनेज करने के लिए। बट एक टावर मोमेंट आएगा, एक जस्टिस कॉल हो रहा है, जहाँ पर ये कार्मिक्स जो इतना ड्रामा कर रहे हैं और एक्चुअली में इतना अच्छा वो प्रिटेंड करते हैं कि अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बेचारे विक्टिम बिहेव कर रहे थे काफ़ी वक्त से, तो एक्चुअली में वो ये सब नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, उसे सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन से पैसा चाहिए, नाम शौहरत चाहिए और कुछ नहीं। तो ये जो फैक्ट है ये बहुत जल्द बच्चों के सामने आने वाला है। ये कार्मिक की खुद की किसी गलती की वजह से एकदम से एक टावर मोमेंट आएगा, एक जस्टिस कॉल होगा, ठीक है, टावर और जस्टिस साथ एक के बाद एक कार्ड्स निकल के आए, ठीक है, तो ऐसे में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे एनर्जीज ऐसे प्ले आउट हो जाएंगे कि ये जो असलियत है कार्मिक की, कि उन्हें किसी के प्यार लगाव से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या फील करता है, किसके लिए क्या अच्छा है इन द लॉन्ग रन, वो जो किसी के लिए केयर नहीं करती है, ठीक है, वो सिर्फ सेल्फिश बनी बैठी हुई है, सिर्फ अपना सोच रही है, इतना अपना मटीरियल करती रहती है, उसका जो ये असलियत है ना, सबके सामने उभर के आएगा और सबसे पहले बच्चों के सामने। एंड मुझे क्लियरली ये मैसेज मिला था कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जब भी अपने बच्चों से इस बारे में बात करेंगे उसी दौरान ये टावर मोमेंट आएगा, लाइक साइमल्टेनियसली, या तो टावर आएगा उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन बात करेंगे अपने बच्चों से, या फिर बात करेंगे उसके बाद टावर मोमेंट आएगा, दोनों में से एक। एंड बच्चे डिवाइन मैस्कुलिन को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चे भी अनकंडीशनल लव चाहते हैं, उन्हें प्यार चाहिए, और ये कार्मिक घर का जो एम्बियंस है ना बहुत ही टॉक्सिक बना के बैठी हुई थी। वो बाहर वालों के सामने अच्छी बनती थी और घर के चार दीवारों के बीच में एकदम जानवर बन जाती थी, एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, क्योंकि वो ऐसे ही गंदगी फैला के बैठी हुई थी। बच्चे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ पेरेंट है
मॉम है डैड है, इसलिए वो लोग बर्दाश्त कर रहे थे, अदरवाइज वो भी तीता हो गए, वो एकदम परेशान हो गए हैं। बच्चों का जो पढ़ाई में एक कंसंट्रेशन है, उनका फोकस है, बच्चे ठीक से रात को सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे, पेरेंट्स के बीच में ये टेंशन की वजह से वो लोग स्ट्रेस्ड आउट हो रहे। फाइनली वो भी चाहते हैं कि ये जो टेंशन वाला माहौल है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। गुड न्यूज़ ये है कि अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक है, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले, और जो ये कॉमन लोग थे, ये जो रिलेटिव्स थे, ठीक है, जिनके ज़रिए ये कनेक्शन जुड़ा था, ये कार्मिक के साथ डिवाइन मैस्कुलिन का कनेक्शन जुड़ा था, उनके रिश्तेदार और डिवाइन मैस्कुलिन के रिश्तेदार, जो दोस्त, जो भी म्यूचुअल्स थे, कार्मिक्स इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन को रोकने के लिए, इन्हें डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लैकमेल कर लिया, हर किसी को डिवाइन मैस्कुलिन का खिलाफ कर दे रहे हैं ताकि वो किसी तरह बस डिवाइन मैस्कुलिन को रोक सके। बट एक पॉइंट के बाद कुछ रिलेटिव्स को इस बात पे वो बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि इससे उनका जो सोशल स्टेटस है वो थोड़ा हर्ट हो जाएगा, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इस मैरिज को जानबूझ के करवाया था। तो अगर वो प्रूव हो जाते कि नहीं, उनका सोच गलत था, कि ज़बरदस्ती किसी को साथ रखा नहीं जा सकता और इस तरीके से रिश्ते बने नहीं जाते हैं, तो ये जो उनका सोच था उनके स्टेटस के लिए ठीक नहीं है, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी अग्रीएबल नहीं होगा। वो आज भी डिसअग्री कर रहे, कल भी डिसअग्री कर रहे थे, आगे चल के भी डिसअग्री करेंगे। बट कुछ रिलेटिव्स, ठीक है, जो लाइट के तरफ है, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं जिन्हें डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे पीछे अब उनका भी असेंशन स्टार्ट होने वाला है, या फिर वो भी असेंड कर रहे हैं, वो डिवाइन मैस्कुलिन को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। वो कहेंगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, थैंक गॉड शांति तो मिला, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन है, एक्चुअली कोई मुश्किल है नहीं, मुश्किल तब होता है जब हम अपने खिलाफ, अपने दिल के खिलाफ, अपनी खुशियों के खिलाफ कुछ करते हैं, ठीक है ना। अब जब आप अपनी खुशियों के तरफ आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स फुल ऑन आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, और सारी चीज़ें खुद ब खुद लाइनअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एंजेलिक मैसेज डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए आए थे कि आपको सिर्फ अपने असेंशन प्रोसेस पे ध्यान देना है। जैसे जैसे आप अपना वाइब्रेशन बढ़ाते चले जाओगे, ये कार्मिक्स और आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इस कार्मिक का एक और रिलेशनशिप भी है जो डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं पता है, आई हर्ड, ये कार्मिक एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, मतलब साइड में उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है फुल ऑन, और डिवाइन मैस्कुलिन को इस बारे में नहीं पता, तो प्रॉब्ली ये टावर मोमेंट भी उसी वजह से आएगा, ये खुलासा होगा, वो जो सबके सामने बिचारी बन रही थी, विक्टिम बन रही थी, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स, आपके लिए एंजेलिक एडवाइस यही थी कि टेंशन मत लो, ठीक है, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाओ, क्योंकि ये कार्मिक्स आपके साथ कुछ वक्त के लिए लटक जरूर सकते हैं, ठीक है, आपके साथ कंपीट कर सकते हैं, पर इन द लॉन्ग रन आपके साथ वो वाइब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सब पीछे छूट जाएंगे, खुद ब खुद आप आगे निकल जाओगे और सब पीछे छूट जाएगा। आपको सिर्फ अपने असेंशन प्रोसेस, अपने अपनी इनर वर्क पे ध्यान देना है, जिन लोगों को आपके साथ आगे बढ़ना है, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, अगर उन्हें आपके साथ ही रहना है, ठीक है, या फिर वो आपके वो फैमिली मेम्बर्स, वो रिलेटिव्स जिन्हें आपके साथ इस एवोल्यूशन में आगे बढ़ना है, इवॉल्व करना है, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है, या फिर आपके नए फाउंड फैमिली, आपके एक्चुअल फैमिली आपके सोल फैमिली है,
ठीक है, तो आपके जो सोल फैमिली जिनके साथ अभी अभी रिसेंटली आपका मुलाकात हुआ है, जो आपको असेंशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर पा रहे हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, आपको उनके साथ ही आगे बढ़ना है। जिन्हें आपके साथ बढ़ना है वो अपने आप आपके साथ बढ़ेंगे, और जिन्हें नहीं बढ़ना है वो पीछे छूट जाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अगर कार्मिक्स का ये जो सच है ये सामने आ जाता है तो फिर पैसे का कोई लॉस नहीं होगा। पैसे का लॉस तो अब हो रहा है जब आप कार्मिक के पीछे अपना पैसा खर्चा कर रहे हो, ये फाइनेंशियल लॉस ही है, क्योंकि ये पैसा आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन के ऊपर खर्चा करना चाहिए था, क्योंकि असली फैमिली आपकी वही है, आपका ट्विन फ्लेम, कार्मिक नहीं। तो जो भी आपके और आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके अलावा हर कोई इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, सीरियसली। एंड आई एम बींग लाइक रियली ब्लंट, कि अगर आप अपने कार्मिक को नॉन स्टॉप सपोर्ट कर रहे हो, मतलब वो सारा टाइम जो आप अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ रह सकते थे, अपने लाइफ पर्पस पे काम कर सकते थे, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे, जहाँ पर आपके मेरे आपके ट्विन के तरह मेरे तरह सब प्लैनेट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे, उनके साथ वहाँ पर इन्वेस्ट करने की जगह आप अपना सारा वक्त, सारा एनर्जी, अपना सारा पैसा कार्मिक के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो एक्चुअली में वो सारा पैसा आपका पॉजिटिव एनर्जीज लेकर के उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करके आप ही के खिलाफ यूज़ कर रही है। क्योंकि कार्मिक्स का काम ही यही होता है, उनमें डिविनिटी नहीं होती है, वो सिर्फ नेगेटिव ही प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें कार्मिक्स कहा जाता है। और वो आपको पॉजिटिव एनर्जी, एक तो उनमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की क्षमता होती है नहीं, ऊपर से आपकी एनर्जी जो आप मेहनत से कॉस्मोस से डाउनलोड कर रहे हो, कनेक्ट हो करके आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको हील करने के लिए सेंड कर रही है, वो सारा एनर्जी कार्मिक आपसे आपसे ले ले रही है, और फिर उसे नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करके आपके और आपके यूनियन के खिलाफ, आपके डिवाइन फेमिनिन के खिलाफ यूज़ कर रही है, बच्चों को आपके खिलाफ यूज़ कर रही है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस स्टफ। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। मेरा अगला वीडियो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए होंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।